के चलते देश भर में व्यापार पर खासा दुष्प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो वहीं मजदूर और किसानों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। दूसरी तरफ बेरोजगारों की संख्या में इजाफा होने से युवाओं को अपने करियर की चिंता सता रही है। कोरोना महामारी के निकट भविष्य में खत्म होने के आसार तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में मजदूरों, किसानों, लघु उद्योग कर्मियों, व्यापारियों और युवा बेरोजगारों के लिए सरकार ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी पर लोन लेने का प्रावधान किया है, जिसके लिए केंद्र और यूपी सरकार ने अच्छा खासा बजट रखा है। सरकार द्वारा दी जाने वाली लोन के तहत 15 से 35% तक के शहरी और ग्रामीण इलाकों में नए उद्योग के लिए छूट दी जा रही है। वहीं प्रथम 3 माह के लिए किस्तें मुफ्त में भी दी जा रही हैं। आरबीआई के गाइडलाइन में 2 करोड़ तक की लोन की व्यवस्था की गई है। वीरेंद्र कुमार, मैं उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग केंद्र पर ये वाराणसी के पद पर कार्यरत हूँ। ये हमारे यहाँ लोनिंग की 3 स्कीम्स हैं। एक है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री रोजगार युवा स्वरोजगार योजना और तीसरी है ODOP वित्त पोषण योजना, जिसमें ODOP उत्पादों के अंतर्गत वित्त पोषण या लोन दिया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में 25 लाख तक का ऋण दिया जाता है, जिसमें कोई भी अपना कोई भी उत्पादन शुरू करना चाहता है या सर्विस यूनिट खोलना चाहता है तो उसके लिए 25 लाख तक का और सर्विस सेक्टर के लिए अभी 10 लाख तक का लोन है, जिसमें 15% से लेकर 35% तक की छूट है। अलग अलग कैटेगरी, सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए शहरी क्षेत्र में 15% और ग्रामीण क्षेत्र में 25%। उसके अलावा चाहे सामान्य वर्ग की महिला हो या कोई अन्य किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसके लिए शहरी क्षेत्र में 25% और ग्रामीण क्षेत्र में 35% की सब्सिडी है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 25 लाख तक का लोन दिया जाता है, इसमें कोई भी केवल 5 कैटेगरी को छोड़ के जो कि बैन कैटेगरी में है उनको छोड़कर 25 लाख तक का लोन ले सकता है और उस पर फ्लैट सभी के लिए 25% की छूट है। तीसरे जो ODOP स्कीम है, ODOP स्कीम में हमारी उसमें ट्रेडिंग के लिए भी ले सकते हैं। ऊपर जो दोनों PMEGP और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है उसमें ट्रेडिंग के लिए लोन नहीं मिलता है, लेकिन ODOP योजना में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों के लिए मिलता है और उसकी उसमें आप 1 करोड़ 2 करोड़ 25 लाख से लेके या 1 लाख से लेके कितना ही भी लोन 3 4 5 लाख तक का ले सकते हैं, लेकिन जो सब्सिडी का अमाउंट है वो मैक्सिमम 20 लाख है। अभी देखिए जो इस वर्ष के जो भी लोन होने हैं जो हमको टारगेट मिल गए हैं और अभी 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारी योजनाएं जिस मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और ODOP वित्त पोषण योजना को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब कोई भी आवेदक अपने घर से ही इसको अप्लाई कर सकता है, उसको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके और अपना फॉर्म फिलअप करके यहाँ ऑनलाइन अप्लाई कर देगा। यहाँ TFC जब भी होगी हम उनको SMS से सूचना मिल जाएगी। केवल जो हमको निर्देश है 25-25 लोगों को बुलाने के निर्देश है, हम उनका एक साक्षात्कार करके उनकी फाइल बैंकों को अपलोड कर देंगे। जहाँ तक जो आपका प्रश्न है कि ये जो लॉकडाउन के पीरियड में जैसा RBI ने गाइड जो जारी की है कि तीन महीने का ये मॉरेटोरियम पीरियड दिया गया है कि तीन माह के लिए जो भी किस्त है वो डेफर कर दी गई हैं। देखिए जो RBI की गाइडलाइन है उसमें 2 करोड़ तक का लोन कोलेटरल फ्री है, जिसमें एक CGMT फंड बनाया हुआ है भारत सरकार ने, उसका 1.5% उस पर बैंक वाले एक्स्ट्रा लेते हैं। उसके अगेंस्ट जो भी लोन अमाउंट होता है उसका 1.5% अमाउंट लेने के बाद में वो उनका गारंटी में कवर हो जाता है और उनको कोलेटरल फ्री किसी भी जिस भी को भी लोन मिलता है वो लोन बैंक वाले कोलेटरल फ्री कर सकते हैं। RBI की ऐसी गाइडलाइन है। नहीं, ये व्यक्तिगत है। जो PMEGP स्कीम है भारत सरकार की, उसमें ज़रूर है कि उसमें कोई संस्था अप्लाई कर सकती है, उसमें संस्था भी एलिजिबल है। उसके लिए कितना मैक्सिमम लोन मिल सकता है? 25 लाख।
वहीं लाभार्थी अपना फोटो, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और शपथ पत्र के साथ ऑनलाइन या हार्ड कॉपी के साथ लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि उपायुक्त जिला उद्योग केंद्र वाराणसी वीरेंद्र कुमार ने रिपोर्टर्स पेज के जरिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट।